भारत यह लोकतंत्र का देश है। इस देश को आजादी मिले आज 74 वर्ष पूरे हो रहे हैं और देश का लोकतंत्र अधिक मजबूत हो, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नाना कावंडे इन्होंने दी है। आइए देखते हैं। देश आज 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश को आजादी दिलाने के लिए कई सैनिकों को और वीर जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी, तब कहीं जाकर आजादी मिली। देश आजाद होने के बाद संविधान के तहत लोकतंत्र की स्थापना की गई। समूचे विश्व में भारत का लोकतंत्र काफी मशहूर है। ऐसे लोकतंत्र में इस देश में देश के हर हिस्से में अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की एकता और अखंडता लोकतंत्र से मजबूत है, लेकिन राजनीति कुछ इस कदर चल रही है कि देश सही में आजाद हुआ है या नहीं, ये सवाल अब भी बना हुआ है। देश के स्थापना दिन पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नाना गावंडे इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय हमारे साथ में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नाना जी गावंडे साहब है। आइए उनसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से। सर ये बताइए कि आज देश को 74वीं वर्षगांठ आज है, तो कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे इस 74वीं वर्षगांठ को लेकर? नहीं, आज 9 अगस्त का ये क्रांति दिन है। सर्वसे प्रथम मैं जो शहीद हुए वो शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, और इस क्रांति दिवस के दिन ही जो भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था, तो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे जो अध्यक्ष है सन्माननीय नानाभाऊ पटोले, इनने 1 अगस्त से 17 अगस्त तक पूरे महाराष्ट्र में व्यर्थ न हो बलिदान, इसका अभियान की शुरुआत की है। क्योंकि ये 15 अगस्त के दिन 74 साल कंप्लीट हो रहे हैं और 75 साल में अपन जा रहे हैं, तो हमारे अध्यक्ष ने नाना भाऊ जी पटोले जी ने सबको ये पूरे महाराष्ट्र में पूरे जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, शहर कांग्रेस कमेटी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, इनको पूरा ये व्यर्थ न हो बलिदान अभियान का कार्यक्रम दिया है। महाराष्ट्र में उनने सभी कांग्रेस पक्ष के जो आमदार है उनको सबको उस डिवीज़न की जिम्मेदारी दी है। नागपुर में एक कार्यक्रम 14 अगस्त को होने वाला है और खुद हमारे अध्यक्ष नाना बहू उसमें उपस्थित रहने वाले हैं, और पूरा इसी इस पे एक आपको मैं बताता हूँ, व्यर्थ न हो बलिदान ये तो हमारा अभियान है, पर मैं आपको मैं बताता हूँ कि हम एक अभियान पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की जो शुरुआत ये कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष नाना बहू, उन वो पूरे किसान सेल के भी देश के हमारे अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, तो वो पूरे देश में ये आंदोलन देंगे कि बीजेपी हटाओ और लोकशाही बचाओ, ये हमारा अभी नारा रहने वाला है आज से। धन्यवाद। तो बिल्कुल आते नाना कावंडे जिन्होंने बखूबी बेबे के साथ बात करते हुए ये कहा कि व्यर्थ न हो बलिदान ये अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान को पूरे देश के लोगों के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब जब देश पे कोई संकट आता है तो सब लोग एक दौड़ जाते हैं, और ये जो अभियान है अपने आप में काफ़ी मजबूत है, बशर्ते उसको किस अंदाज में इसके ऊपर में अमल किया जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि हिमालय की है पुकार, बहादुरो बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।